बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर परिषदीय स्कूलों के बच्चे अब खादी की यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो बच्चे हथकरघा और वस्त्रोद्योग बोर्ड मुहैया कराएगा इस ड्रेस को, तो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड भी मुहैया कराएगा। तो 70 लाख स्कूल यूनिफॉर्म की तैयारी की जा रही है, जहां पर 15 जून तक स्कूल यूनिफॉर्म पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, परिषद स्कूल के बच्चे खादी की यूनिफॉर्म अब पहनेंगे। हथकरघा और वस्त्रोद्योग बोर्ड इन ड्रेसों को मुहैया कराएगा, जहां खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड भी इन बच्चों को ड्रेस मुहैया कराएगा। तो 70 लाख स्कूल यूनिफॉर्म की तैयारी की जा रही है शुरुआती दौर में, और ये कहा गया है कि 15 जून तक इन यूनिफॉर्म को स्कूल्स में पहुंचाया जाए, इसके निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो 2021 और 22 से सभी 1.59 लाख स्कूलों में खादी यूनिफॉर्म में अब बच्चे नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक अच्छी पहल यहां पर, कहीं ना कहीं जो पश्चिमी सभ्यता है उसको छोड़ते हुए हाथों से बनी हुई यूनिफॉर्म का इस्तेमाल हैंडलूम के जरिए इन स्कूलों को ये जो ड्रेसेस हैं वो मिलेंगी, और इसकी जिम्मेदारी यहां पर हथकरघा और वस्त्रोद्योग बोर्ड मुहैया कराएंगे। अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, अभी क्या कुछ इस पूरे आदेश में कहा गया है कि किस तरह से ये ड्रेसें मुहैया यहाँ पर कराया जाएगा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए, और शुरुआती तौर पर कितना यहाँ पर स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इनको जल्द से जल्द जो है वो अप्लाई करें? हालांकि वक्त एक बताया जा रहा है कि जून तक एक निर्देश यहाँ पर दिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि परिषदीय स्कूलों में अब बच्चे खादी के यूनिफॉर्म पहनेंगे, इसके लिए तैयारियां कर दी गई हैं। हथकरघा और वस्त्र उद्योग के खादी उद्योग बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारियां की जाएंगी, जिसमें से 70 लाख यूनिफॉर्म की तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। इनको निर्देशित किया गया है कि 15 जून तक यूनिफॉर्म स्कूल तक पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि इसके पहले कई कंपनियों को निर्देशित किया गया था, प्राइवेट कंपनियों को, जो यूनिफॉर्म नहीं पहुंचा पाई थी। इस वजह से इसका पूरा सरकार खुद इस पर ध्यान दे रही है, और इसके लिए हथकरघा उद्योग इस पर लाया गया है। और इसे बताया गया कि शिक्षा पर जो 2021-22 तक है, इनमें जो है लगभग 1,60,000 स्कूलों को खादी यूनिफॉर्म के भेजे जाएंगे, तैयारियां की जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि इसको 15 जून तक के हर स्कूलों में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अरुण, क्या समझे कि अभी क्या शुरुआती तौर पर परिषदीय स्कूलों को ही यहाँ पर रखा गया है, इसमें आगे आने वाले समय में और स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा? जी, अभी तक फिलहाल ये जानकारी दी जा रही थी कि जो प्रसिद्ध स्कूलों को रखा गया, अगर ये प्रसिद्ध स्कूलों के बाद जब 2021-22 के सत्र में जब पहुंचा दिया जाएगा, तो बाकी और स्कूलों को इसमें जोड़ा जाएगा, वहां पे यूनिफॉर्म देने की तैयारियां आगे की जा रही है। चलिए, धन्यवाद आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।